जय माता दी दोस्तों, आज सावन की पहला सोमवार है तो सभी पूजा करते हैं शिव जी के। मैं भी करती हूँ तो सभी अपने अपने तरीक़े से। जैसे मैं आज करूँगी तो इसके लिए मैंने पहले तो दूध ले लिया है, ये दूध है और ये घी की दिया है और पांच फल है जो भोले जी को हम चढ़ाते हैं, पांच फल है और साथ में बेलपत्ता राम नाम लिखी हुई है। और ये हमने कुछ पुष्प ले लिए हैं और शमी के पत्ते और बिल पत्ते जो इसमें राम नाम लिखा हुआ है, ये देखिए है ना, और नीलकंठ है। वो हमारे बागीचे में जितने फूल मिले हैं हमें, हमने उसी हिसाब से तोड़े हैं। अभी इतने ही फूल खिले हैं, थोड़ा सा ज़्यादा और भी खिले हैं जो माता रानी को हमने चढ़ा दिए। ये काली माँ के मंदिर है तो मैंने माता रानी की पूजा कर लिया है तो उनको मैंने चढ़ा दिया। उधर ये गोपाल जी है, जो बाकी हमारे जो बेदी, तीन बेदी है देवी देवताओं की, हमने पूजा कर लिया। अभी भोले जी को मैं कर रही हूँ तो इसीलिए ये दिखा रही हूँ। दिखा रही हूँ मतलब मैं कैसे करती हूँ ये बता रही हूँ, आप लोगों को क्या दिखाएं, मैं खुद ही सीख रही हूँ अभी भी, आप लोगों को सिखा नहीं सकती। और देखिए मैंने पूजा के लिए अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमने लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास नहीं हो तो आप इकट्ठा करो, तो अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते तो सिर्फ भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं तो एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो उसमें भी हो जाएगा। जैसे ये गंगा जल, एक लोटा जल ले लिया है तो इससे भी आप भोले को खुश कर सकते हो। आपके सामर्थ्य हो तो उसी हिसाब से कर लेना। तो उसी मैंने ये है दही ले लिया है, खांड और चावल और घी और शहद, ये है शहद और दूध तो हमने ले ही लिया है। अब आगे दिखाते हैं। सबसे पहले मैं जल डालूंगी शिव जी को, ये टक डाल दिया हमने। अब घी, अब मैंने शहद निकाल लिया है तो इन्हें भी डाल देती हूँ। दही, ये पंचामृत आप एक साथ मिला के भी डाल, नहला मतलब स्नान करवा सकते हो जल में, गंगा जल में दूध दही घी मधु शक्कर सब एक साथ मिला के भी कर सकते हो ये, और अलग अलग भी कर सकते हो भोले जी के लिए, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। आपको जैसा सुविधा हो आप उसी हिसाब से कर सकते हो। तो ये हमने दे दिए हैं, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। आपको जो मंत्र आती है आप वही बोलना, नहीं आती है तो भोले समझ लाएंगे, चुप ही रहना तो अच्छा है। आसन में बैठाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय। अब मैंने इनको स्नान करवा लिया है। अब ये फूल है मेरे पास जो है, मैं उसी से इनके श्रृंगार करूँगी। तो ये है जो मिला है मेरे को, ये देखिए मैं इस तरह से करती हूँ। आपके पास हो तो आप उसी तरह से कर लेना, नहीं हो तो बिल पत्थर सही। माफ़ करना, मुझे हिंदी आती नहीं है, तो अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो बुरा मत मानना, अच्छी तरह से आती नहीं है। जितनी आती है मैं उतनी कोशिश करती हूँ बोलने की। अगर कुछ किसी को बुरा लगे तो मेरा इरादा नहीं है किसी को बुरा लगे, मैं साफ मन से ही कह रही हूँ। मैंने भोले को स्नान करवा दिया है। अब मैं आसन पे बैठाती हूँ। अब मैंने ये देखिए ये माला, मैं मथुरा गई थी 6 महीने पहले, तो वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ। असली है या नकली है मुझे नहीं पता, ये रुद्राक्ष की मिला मेरे को ये, तो मैं ये ले आई। तो अब मैं आज के दिन नया है ये मेरे को चढ़ाने के लिए, कुछ तो है नहीं भोले को, बस यही मैं भोले को पहना रही हूँ, रुद्राक्ष की माला जो भोले को प्रिय है, ये देखिए। और मैं इसी तरह से, ये नीलकंठ है कुछ मेरे पास, तो ये मैंने ये रख दिए हैं। अब ये है चंदन, जो हमने लकड़ी, चंदन की लकड़ी आती है तो उससे मैंने घिसा, घिसने के बाद ये चंदन, तो मैं इनके तिलक करूँगी 3 और इस तरह से दे दूँगी। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। और बाकी के जो चंदन है मैं फूलों में ये लगा दूंगी, बेल पत्तर में, जो बेल पत्तर हमने राम नाम लिख रखे थे वो ये है। तो ये बाकी का चंदन सारे फूलों में मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब चलो क्या, ये मैंने घी का दिया है जो भोले जी के नाम के, ये चास दिया है ये। अब ये देखिए हमने 5 बिलपत्र ले लिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इकट्ठे। अब भोले जी को चढ़ाएंगे, तो पहले मैं अक्षत लगा देती हूँ, तिलक हमने कर दिया है भोले को, साबत अक्षत हमने ये लगा दिया है, ये दे दिया है, और 5 है बिलपत्र ये। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और ये शमी के पत्ते, ये भी नमः शिवाय बोलते बोलते, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये समर्पित किया है। ये अगरु है तो ये डाल देती हूँ पानी में, मतलब जल में।
और ये हमारे हम लोग इसको बोलते हैं धूनी, धूनी नहीं, धूप, जो धूप बत्ती आप लोग करते हो, मैं भी करती हूँ धूप बत्ती, लेकिन जो असली धूप है तो वो पीस पीस लिया हमने। ये देखिए, ये पीसने के बाद पाउडर हो गई है ना, तो इसको ऐसे ही देते हैं। तो धूप बत्ती की जगह हम ये यूज करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अभी हमने पूजा तो कर लिया, मंदिर जाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, चाहे भले ही हमारे घर की मंदिर क्यों ना हो, तो दक्षिणा हम चढ़ा रहे हैं ये। और अब मैं आरती करूँगी। आरती आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से ही आरती करते हैं और भजन भी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से ही कर लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले, जय शिव शंभू।